यमुनानगर जिले के गांवों को लाल डोरा मुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पहले चरण में जिले के 5 गांवों को लाल डोरा मुक्त किया जाएगा, जिसकी शुरुआत डीसी मुकुल कुमार ने सुखपुरा में मैपिंग ड्रोन को चलवा कर की। इस चरण में सुखपुरा के अतिरिक्त गांव गुलाबगढ़, रोड छप्पर, हरगढ़ और गोलनपुर में डिजिटल मैपिंग की जाएगी। डीसी मुकुल कुमार ने बताया कि ये बहुत ही सराहनीय कदम है। पहले लाल डोरा का रिकॉर्ड नहीं होता था, लेकिन अब इसकी प्रक्रिया के बाद उसका भी रिकॉर्ड जरूर उपलब्ध करवाया जाएगा। हम आपको बता दें कि लाल डोरा मुक्त ना होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब से पूर्व लाल डोरा के अंदर आने वाली संपत्ति का कोई भी प्रमाणीय दस्तावेज ना होने के कारण ऐसी संपत्ति के मालिकाना हक सिद्ध करने में परेशानी पेश आती थी। विशेषकर संपत्ति की खरीद फरोख्त और ऐसी संपत्ति पर बैंकों से ऋण इत्यादि लेने में कानूनी अड़चनें थी, लेकिन अब इस परियोजना से ये समस्याएं भी दूर हो जाएंगी और इसकी शुरुआत ड्रोन मैपिंग के जरिए कर दी गई है। में 5 गांव का चयन किया गया है लाल डोरा के अंदर मैपिंग करने के लिए। उसके अंदर बकायदा ड्रोन के द्वारा मैपिंग की गई है और मैं स्वयं भी हमने उसमें ड्रोन को चला के देखा था कि कहाँ कहाँ उसके अंदर हम जिस तरह सुखपुरा गांव में देखा था, तो उसमें सरपंच और जितने भी नंबरदार दूसरे रेवेन्यू स्टाफ था हमारे साथ था और ड्रोन को हमने उड़ा के जो लाल डोरे की थी बाउंड्री उसको चिन्हित की गई थी। उसमें अभी ड्रोन के द्वारा जो इमेजेस ली गई हैं उसके आधार पर एक नक्शा तैयार किया जाएगा, उसको फिर ग्राम सभा के अंदर रखा जाएगा, ऑब्जेक्शन इन्वाइट किए जाएंगे, उसके बाद हरियाणा पंचायती राज एक्ट के तहत आगामी कार्रवाई करते हुए उस नक्शे को फाइनलाइज किया जाएगा। तो 5 जो गांव हमारे ज़िले में चिन्हित किए गए हैं उनके नाम हैं गुलाबगढ़, रोड छप्पर, हरगढ़, सुखपुरा और गोलनपुर। ये इसीलिए अभी तक हमारे पास लाल डोरा के अंदर का रिकॉर्ड नहीं होता था, तो ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है जिसके अंदर लाल डोरा के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसका भी हमारे पास बहुत जल्द ही रिकॉर्ड उपलब्ध हो जाएगा। अभी तो हमने एज अ पायलट प्रोजेक्ट इन 5 गांवों को हम कवर कर रहे हैं, इनके रिजल्ट्स के आधार पर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे।